हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आज बात करेंगे अपन साइंस के सेट नंबर 6 की बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसका सेट नंबर 6 अपन कवर करते हैं। इसके अंदर फिर से अपन 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो फटाफट जुड़ जाएगा लाइव सेशन के साथ में। डेली बेसिस के ऊपर अपने इस वीडियो का टाइमिंग रहता है शाम को 9 बजे, 9 PM के ऊपर अपन डेली इस वीडियो को लाइव करते हैं, तो हमेशा जुड़ जाइएगा। और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत कीजिएगा सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करें अपने क्वेश्चंस को। सब कुछ सही चल रहा है, लाइव वगैरह चल रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिएगा, ये क्वेश्चन NTPC 2/4/2016 को शिफ्ट 1 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाली इमेज मूल छवि से दुगुनी होती है। तीसरा कह रहा है कि रेटिना पर बनने वाला इमेज का आकार वस्तु के समान होता है। और चौथा कह रहा है कि रेटिना पर इमेज जो बनती है वो बिल्कुल उर्दुआ होती है। तो यहाँ से अपने को बताना कि सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, सही स्टेटमेंट बताना है अपने को। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो बिल्कुल उल्टी होती है। लेकिन रेटिना पर इमेज बनने के बाद में अपने ब्रेन के पास, दिमाग के पास सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल के थ्रू ये इमेज उल्टी इमेज होती है वो सिद्ध कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। और इस इमेज में आप देख सकते हो रेटिना पे इमेज बनेगी इस तरीके से, सीधा खड़ा है इंसान, लेकिन रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल उल्टी बनेगी। और इमेज कहाँ पे बनती है, हमेशा रेटिना के ऊपर बनती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से जो भिन्न है उसको चुनना है अपने को, दिए गए ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा डिफरेंट है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, साइरस, मार्स, नेपच्यून या सैटर्न, सनी, डिफरेंट कौन सा है। कुछ आपको प्लेनेट दे रखे हैं, कुछ स्टार्स दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन डिफरेंट है, बाकी तीनों आपको यहाँ देखने को मिलेंगे प्लेनेट की कैटेगरी में आते हैं और ये स्टार्स की कैटेगरी में, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, साइरस सेटेलाइट है, यह सदाब सिद्दीकी कह रहे हैं साइरस सेटेलाइट का नाम है, उपग्रह का नाम है। कौन से प्लेनेट का उपग्रह है साइरस, कमेंट करके बताइएगा सदाब सिद्दीकी, कौन से ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। रेडियम की बात हो रही है, ऑब्वियसली अगर रेडियम की बात है तो कोई अपन वो लेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेंगे। तो ऑप्शन अपने सामने रूटाइल, हिमेटाइट या चुनापथर या पिच ब्लेंड, आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम भी अपन इसी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सर्किट का रेजिस्टेंस डबल कर दिया जाए और वोल्टेज को समान रखे तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको बताना है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जिस प्रकार से कैंडिडेट कह रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सर्किट का रेजिस्टेंस डबल किया जाता है, आर की वैल्यू आप 2R कर देते हो, तो यहाँ पे वोल्टेज आपके सेम है तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी। सिंपल सी बात है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, I इक्वल टू हो जाता है V/R। रेजिस्टेंस डबल कर दोगे तो करंट बिल्कुल आधी हो जाएगी। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बताइएगा। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, RBC, लीवर कोशिका, मसल्स कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिए गए ऑप्शन में से बताना है क्या आंसर बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RBC। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। यदि RBC के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा तो ये इसके अंदर जो भी सेल्स होते हैं उनका ये खुद एब्जॉर्ब कर लेने लग जाएगा, तो इसलिए RBC में हमेशा ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है किसका उपग्रह नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से किसका कोई भी उपग्रह नहीं है,
ऑप्शन आपके सामने बृहस्पति, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। सबसे ज़्यादा शनि के है 82, उसके बाद में बृहस्पति के कितने हैं 79 के समथिंग है शायद। सबसे ज़्यादा शनि के सैटर्न के 82। बुध और शुक्र प्लेनेट है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। मंगल के दो हैं, मंगल के कौन कौन से हैं, दो फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस हैं मंगल ग्रह के, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्न में से कौन सा था? डिफेंस सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है, इंडिया का फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया 2013 के अंदर, इसका नाम अपने को यहाँ पे बताना है, इंडियाज फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, G-SAT-7 अपना करेक्ट आंसर बनेगा, G-SAT-7। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने अक्ष किरणों की खोज की थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका सही जाना चाहिए। अक्ष किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है विलियम रोएंटजन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी या विलियम क्रूक्स। क्वेश्चन नंबर 9, अक्ष किरणें WC रोएंटजन, अपना आंसर हो जाएगा WC रोएंटजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, वाटर पॉल्यूशन का कारण नहीं है? समुद्र डंपिंग, समुद्र के अंदर डंपिंग करते हैं वो, या घर का कचरा, या तट के ऊपर मछली को पकड़ना, या तेल का फेरना। चार ऑप्शन में से आपको बताना है जल प्रदूषण का कारण नहीं है। सदाक्ष तेजी, मोहित चौधरी, अभिषेक शर्मा, मनीष चंद्र, विषभकांत, नाम बोल रहे हैं बिल्कुल, आज मोहित चौधरी एक ही दिख रहे हैं क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही है? पशुओं की जो प्रजाति है किसकी वजह से लुप्त हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है? आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार करने की वजह से, या पानी की कमी की वजह से? धीरे धीरे किसकी वजह से कम होती जा रही है, क्या आंसर बनेगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवास विखंडन। एक जगह से दूसरी जगह इनका स्थानांतरण होता है, विखंडित होते रहते हैं, इसकी वजह से इनकी प्रजातियां भी लुप्त होती जा रही है। भाई, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ध्यान दीजिए किसके अंदर पूछा गया आपसे, आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष में पूछा गया। ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन या जॉन ग्लेन। आउटर स्पेस के अंदर यात्रा करने वाले प्रथम मानव का नाम पूछा गया आपसे, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का? आंसर सही से सोच के दीजिएगा, इन दोनों में से कौन सा बनेगा। यहाँ पे अपने ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आउटर स्पेस, ना कि चांद पे कदम रखने वाला, तो अपना आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। मूल तत्वों की अवर सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, मूल तत्वों की अवर सारणी, मूल तत्व किसके ऊपर आधारित थी वो बताइएगा। ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल थी वो मास के ऊपर आधारित थी या एटॉमिक नंबर के ऊपर आधारित थी? तो पहली जो पीरियोडिक टेबल थी वो आधारित थी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और दिमित्री मेंडेलीव ने दी थी, और जो आधुनिक है वो है परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित, वो दी थी हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने मॉडर्न दी है, और जो पुरानी वाली वो दी मेंडेलीव ने। जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, मोजले क्रमांक, मेंडेलीव द्रव्यमान। जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी या माइक्रोबायोलॉजी या एंटोमोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी, क्या आंसर बनेगा? जीव और पर्यावरण के बीच के जो अन्योन्य क्रिया है या जो रिलेशन है, इनका वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन, वो कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा यहाँ पे, इकोलॉजी। इकोलॉजी अपन बोलते हैं किसी भी एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले जीवों का जो पारस्परिक रिलेशन होता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। निम्न में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, अम्बाइकल, बेलिकल, फेटल, एम्ब्रायोनिक या फैट, नाभिरज्जु, भ्रूण, भ्रूण मूल्य और मैद,
सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, फैट, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का मतलब क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम है ये, ह्यूमन्स का वैज्ञानिक नाम है, इसका मतलब क्या है, मतलब पूछा गया है, आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? साइलेंट मत रहिए, विकास कुमार, मनीष चंद्र, आंसर देते रहिए साथ साथ में। होमोसेपियंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सीधा मतलब क्या है, सिंपल सा अर्थ, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट आदमी, बुद्धिमान आदमी। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? नवजात शिशु के शरीर में पूछा गया है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 350, 206, 211 या 411, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे, सबसे पहले कौन से होमिनोइड्स थे? होमोसेपियंस, ये सिंपल सी बात करें जो ह्यूमंस है, इनका सबसे पहले बताना है कि कौन सी प्रजाति थी, मूल कौन थे इनके। ऑप्शन है हर्गेस्टलाइन, क्रोमैग्नॉन, नियंडरथल या प्रोंकासल, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमैग्नॉन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, याद हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? कितनी स्वाद कलिकाएं होती है मानव जीव के ऊपर, 2000 से 8000 या 50000 से 1,00,000 के बीच, या 1,000,000 से 10,000,000 या 10,000,000 से अधिक स्वाद कलिकाएं पूछी गई है जो ह्यूमन जीवा होती है उसके ऊपर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 से 8000 के बीच, पहला ऑप्शन करेक्ट है। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया था? हेलियो का मतलब मैंने आपको बार बार बताया, सन से रिलेट करते हैं, टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, तो हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने का कारण किस खगोल शास्त्री को उनके घर में नज़रबंद किया गया? निकोलस कॉपरनिक्स, गैलीलियो गैली या केपलर या बेसल, मोहित चौधरी, सुनील वर्मा, विश्वनाथ, मनीष चंद्र, सुनील वर्मा, अच्छा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैली। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम बताना है, जियो स्टेशनरी 1981 के अंदर, आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर या इनसेट, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया, 1975, और 1981 में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित पूछा गया यहाँ पे, और एप्पल को आउट ऑफ इंडिया से इसको प्रक्षेपित किया गया था, शायद रूस से प्रक्षेपित किया गया था, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग साउंड वेव्स किस प्रकार की वेव्स होती है, प्रेशर, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या यांत्रिक, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गलत है ना, ध्वनि तरंगे, अच्छा असत्य पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे असत्य पूछा गया है, असत्य स्टेटमेंट कौन सा है, तो बिल्कुल सही है, असत्य स्टेटमेंट यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, साउंड वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, ये अनुदैर्ध्य होती है, और अनुदैर्ध्य यांत्रिक की कैटेगरी में आती है, प्रेशर भी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया आपसे असत्य, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, फिलामेंट पूछा गया है, विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट, प्लेटिनम, टेंटलम, टंगस्टन या एंटीमनी, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3400 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, और विद्युत हीटर के अंदर जो काम में लिया जाता है नाइक्रोम। वह एकमात्र अधातु कौन सी है, अधातु का मतलब नॉन मेटल, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, ऑप्शन आपके सामने है मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन या गैलियम,
आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। अगर नॉन मेटल पूछे या धातु पूछे तो ऑप्शन नंबर बी, और मेटल या धातु पूछे तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? निम्न जीवों में से कौन सा जीव बडिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन अपने सामने मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या एनेलिडा। क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनेलिडो। सिंपल सा बताइएगा, C12H22O11 को किस रूप में जाना जाता है, ये किसका फॉर्मूला है? ये एक फॉर्मूला दे रखा है C12H22O11, तो ये रेत का है, चीनी का है, नमक का है या क्ले का है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या जाएगा, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? आंसर हो जाएगा चीनी का, शुगर, C12H22O11 और ग्लूकोज का C6H12O6। 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाले अंतरिक्ष यात्री निम्न में से कौन है? ए जे आप टूरिस्ट समझ सकते हो इनको, क्योंकि रुपए खर्च करके ये गए थे 20 मिलियन डॉलर, तो वो कौन थे? ग्रेगर ओल्सन, चार्ल्स सिमोनी, डेनिस टीटो या मार्क शटलवर्थ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी डेनिस टीटो। निम्न में से डिफरेंट को चूज करना है आपको, इनमें से भिन्न कौन सा है? एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर या पीतल। कुछ आपको तत्व दिख रहा होगा, कुछ आपको यौगिक दिख रहा होगा या मिश्रण दिख रहा है, पहचान कीजिएगा कि दिए गए ऑप्शन में से क्या डिफरेंट है। तत्व यौगिक मिश्रण के ऊपर आपको इसका आंसर देना है। क्या आंसर हो जाएगा? प्रेम शंकर जी, मनीष चंद्र, सुनील वर्मा जी, विक्रम गड़िया जी, सदाक सिद्दीकी। क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पीतल। ये एक मिश्र धातु है, बाकी आपके सब एलिमेंट्स है, तत्व है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, कस्तूरी रंगन या सतीश धवन। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस रंगीन प्रकाश की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो अलग अलग कलर होते हैं आपके, इस पर बेस एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं। VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, बैंगनी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है, इसमें तरंग दैर्ध्य पूछ लिया जाता है, इसमें कौन से सबसे ज़्यादा विचलित होता है वो पूछ लिया जाता है, इसमें सबसे कम विचलन किसका होता है वो पूछ लिया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? VIBGYOR में फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेड की। तो ध्यान दीजिएगा, इधर आओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और इधर जाओगे तो आपकी तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई, फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य की वैल्यू इधर बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा विचलन होता है इसका, और सबसे कम विचलन होता है इधर, यानी इधर की तरफ चलोगे तो आपका विचलन भी बढ़ता जाएगा, और सबसे कम विचलन होता है रेड का, इसीलिए रेड को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी देख लेना आप। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्न में से कौन सी थी? एंटीबायोटिक का नाम बताना है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बताइएगा एंटीबायोटिक का नाम। पेनिसिलिन, प्रोंटोसिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेंट्रासिलिन। तो आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 के अंदर। तो तीन चीज़ें बनती हैं यहाँ से, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और 1928। 2015 में कौन से ग्रह के ऊपर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? कौन सा ग्रह था? ऑप्शन अपने सामने मंगल ग्रह, शुक्र, बृहस्पति या शनि। पानी के ग्लेशियर कहाँ मिले थे? तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पे, मार्स ग्रह पे। निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? साउंड पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण से क्या नहीं होता? पशुओं की मौत या कर्णनाद या उच्च रक्तचाप या ओजोन क्षय, ओजोन डिप्लेशन। चारों ऑप्शन पढ़िएगा,
ज़्यादा अगर साउंड लेवल ज़्यादा है तो मौत का भी कारण बन जाता है, तो मौत भी हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ओजोन क्षय। ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण, देखिएगा डीबी में अपन मेजर करते हैं, लेकिन ये लेवल बहुत ज़्यादा हो तो आपके मौत का कारण भी बन सकता है, जरूरी नहीं पशुओं की, ह्यूमन की भी मौत का कारण बन जाता है। तो ओजोन क्षय अपना आंसर हो जाएगा। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया गया था? ये एक टेलीस्कोप का नाम है, इसके माध्यम से आपको बताना है किसका बहुत ही गहन सर्वेक्षण किया गया था। ये बिल्कुल एक्सरे बेस्कोप टेलीस्कोप है। ऑप्शन अपने सामने, धूमकेतु, कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल, प्लैनेट या एस्टेरॉयड। क्वेश्चन नंबर 34 क्या आंसर रहेगा? मुकेश कुमार जी, विश्वनाथ, विक्रम गढ़िया, प्रदीप सिंह चौहान, हिमा सागर डाबला। हिमा सागर भी आ गया क्या? चलो बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ब्लैक होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे, जिसका मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर का मतलब बहुत ही पास में। ये जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन किसके ऊपर आधारित है? कम दूरी की उच्च फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन पे, या लंबी दूरी की हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन पे, लंबी दूरी के लो फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन। सिंपल सा इसको इस तरीके से समझिएगा, आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, जैसे एक्स जेंडर यूज में कर लेते हो या ब्लूटूथ से करते हो, तो उसमें जो कम्युनिकेशन काम होता है वो होता है NFC। तो इसमें आप आंसर दीजिएगा कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा कम दूरी की हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। हिमा सागर जी, बाइलिंगुअल अपन क्विज स्टार्ट करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे अपन। इंग्लिश चल रही है थोड़े थोड़े, लेकिन दीपावली के बाद में बिल्कुल रेगुलर करेंगे अपन। अभी थोड़ा क्या रेस्पॉन्स कम है, इसलिए बाइलिंगुअल को रोक दिया, बल्कि इंग्लिश में चल रही है अपनी क्विज मॉर्निंग में, इस टाइम हिंदी में करते हैं अपन शाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राइट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, नाइट्रोजन की तो बात ही नहीं होनी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, पानी एक मूल तत्व है, तो बताइएगा ACD सही स्टेटमेंट क्या होगा। आपको इसकी पहचान होनी चाहिए क्या तत्व है, क्या यौगिक है, क्या मिश्रण है, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर इनका पता होना चाहिए। तो राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड। कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है, जैसे कि H2 है, H और O का रेशियो फिक्स होना है इसके अंदर, जैसे दो हाइड्रोजन है एक एटम, तो इसका जो मास है वो फिक्स है। यौगिक के अंदर, कंपाउंड के अंदर रेशियो फिक्स होता है, मिश्रण के अंदर रेशियो फिक्स नहीं होता है, अलग अलग रेशियो होता है उसके, कोई किस जगह में किस क्या रेशियो बन सकता है, क्या रेशियो, मतलब अनिश्चित मात्रा होती है इसके अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान और त्वरण, स्पीड, टाइम, मास और एक्सीलरेशन। दिए गए ऑप्शन में से डिफरेंट कौन सा है? त्वरण होता है, मास हो गया, समय हो गया और गति हो गई। इसका आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 37 का लॉजिक लगाइएगा, क्या आंसर बनेगा? यहाँ पे स्पीड दे रखी है अपने को, यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा, इसमें मास को डिफरेंट माना है। मास कैसे हो सकता है? त्वरण होता है इसमें भी, यानी ये एक दूसरे से रिलेट है। क्वेश्चन में किसी तरीके से पूछेगा, कई तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं अपन। इसमें ये भी कह सकते हैं अपन कि ये एक सदिश है, बाकी अदिश है। क्यों? ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन सी कैसे होगा? ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए, इस समूह से संबंधित नहीं है, आंसर डी होना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? कुडनकुलम की बात हो रही है, क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? रेजोनेटर कॉर्ड, वाइब्रेटरी कॉर्ड, वॉइस बॉक्स
या थायरोरेटेनॉइड, कंठ को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अपना वॉइस बॉक्स, ध्यान दीजिएगा वॉइस बॉक्स। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इकोलॉजी, बायोलॉजी, एथनोलॉजी या जियोलॉजी? पृथ्वी का अध्ययन, तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना शुरू कर देता है, क्यों? ऑप्शन क्या होगा इसका? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। कपड़ा जो भी रेड वेव्स है उसकी टोटल जो भी है एम्पलीट्यूड उसको टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी की वजह से वो काला दिखाई देने लगता है। इनमें से सिमिलरिटी बतानी है अपने को, समानता। कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, समानता क्या चीज़ है? सभी गैसेज है क्या? सभी नॉन मेटल है या सभी मेटल है या कोई समानता नहीं है इनमें? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन मेटल, सभी गैर धातु है। नॉन मेटल यानी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होगी? राइट साइड के इधर। एक्जोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्जोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, पशुओं के जीवन से, पौधों के जीवन से या पृथ्वी पर मानव जीवन? एक्जो यानी बाहर, एक्स यानी बाहर, आउटर, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? किसको रक्त दे सकता है, किसको नहीं दे सकता? ए बी ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को दान कर सकते हैं, क्या ए बी वाला सबको दान कर सकता है क्या, या ये यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है, या किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं? ये ना ही तो यूनिवर्सल डोनर है और ना ही रिसेप्टर है, ना ही तो दान देने वाला है और ना ही लेने वाला। तो ए बी के बारे में क्या होगा? यह किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, यानी सबका सही है। विक्रम गढ़िया, ये नाइटकोर, नेफेक्स, सुनील वर्मा, विश्वनाथ कुमार, बिल्कुल सही है सबका, यानी सभी से ले सकता है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि रेड सोइल है, इस पर खेती करना ज़्यादा हार्ड है बिकॉज ऑफ, आंसर हो जाएगा इसकी जल धारण कैपेसिटी बहुत कम होती है, जल धारण कैपेसिटी बहुत कम होने की वजह से। मानव शरीर के अंदर प्रोस्टेट क्या चीज़ है? एक कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है, या कोई ग्रंथि है, या कोई झिल्ली है, या कोई मसल है, कोई मांसपेशी है? प्रोस्टेट की बात हो रही है तो प्रोस्टेट क्या चीज़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जिक्का वायरस किसके द्वारा वहन किया जाता है? ये जो जिक्का वायरस किसके द्वारा कैरी किया जाता है, इसका कैरियर पूछा गया है, किसके माध्यम से ये कैरी होता है? मच्छर, जल, वायु या भोजन? जिक्का नाम क्यों पड़ा? जिक्का युगांडा के जंगलों में जंगल है, वहाँ का नाम है, जंगल का नाम है जिक्का, और वहाँ से ये सबसे पहले पाया गया था युगांडा के जंगलों में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। यदि हम सूर्य को स्टार बोलें तो मून को क्या बोलेंगे? यदि सन को आप स्टार बोलोगे तो मून को क्या बोलोगे? मून को ऑप्शन देखिएगा, स्टार, प्लेनेट, कॉमेट या सैटेलाइट, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सैटेलाइट या उपग्रह। एक शाफ्ट होती है, उसकी जो आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? शाफ्ट की जो रोटेटिंग स्पीड है उसको ध्यान मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे अपन? स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, एनीमोमीटर या क्रोनोमीटर? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, प्रैक्टिकल में भी काफ़ी यूज में लिया होगा, या आईटीआई की हो तो उसमें भी होगा, काफ़ी बार यूज लिया होगा, आंसर हो जाएगा अपना टेकोमीटर। एंगुलर वेलोसिटी को अपन मेजर करते हैं शाफ्ट की, आंसर हो जाएगा टेकोमीटर, स्पीड मेजर करते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दोनों अलग अलग मुद्दे हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दोनों अलग अलग मुद्दे हैं? ऑप्शन बी कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाती है,
ऑप्शन तीन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम होता जा रहा है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम होते जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही स्टेटमेंट। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम होती जा रही है और समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन में अपन क्या करते हैं यूज, किसकी यूनिट है, गति की, कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, या कंटेनरों का बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है, मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है, CaO Cl2 की बात हो रही है, आयोडीन होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा या अमोनियम सल्फेट होगा। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। CaO Cl2 की बात हो रही है, सबसे एक्टिव घटक क्या होगा इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, यदि व्यक्ति को ओनली नज़दीक से दिखाई देता है, दूर से नहीं दिखाई देता है तो उसको क्या बोलोगे आप, दूरदृष्टि या निकट दृष्टि। यदि उसको दूर की नहीं दिखाई देता, ओनली नज़दीक से ही दिखता है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी मायोपिया। इसको सही करते हैं अपन अवतल लेंस की सहायता से। एसी को डीसी में बदला जाता है, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर या फिल्टर। आंसर हो जाएगा, सबका सही जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर का उल्टा होता है इन्वर्टर। एसी को डीसी में बदलेंगे अपन रेक्टिफायर से और डीसी को वापस एसी में बदलेंगे अपन इन्वर्टर से। देखिए ऑप्शन में से डिफरेंट कलेक्ट करना है अपने को, तत्व यौगिक मिश्रण इनके आधार पर आंसर देना आपको। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हीलियम, एक सिंपल एलिमेंट है हीलियम। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बी12, DA या E, थायमिन होता है या एस्कॉर्बिक एसिड होता है या कैल्सीफेरॉल होता है या टेकोफेरॉल होता है। रक्त के थक्के बनाने में बहुत भूमिका निभाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा के होता है, के के साथ में बी12 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, के भी होता है और बी12 भी होता है। सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू पूछी गई आपसे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फॉर्मूला रट लीजिएगा, F = 9/5 × sentigrade + 32। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 डिग्री की बात हो रही है तो सी की जगह 0 कर दिया मैंने, तो ये टर्म्स 0 हो गई, तो ओनली 32 बचेगा, आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो फॉर्मूला आया F = 9/5 × c + 32। यदि H2O इसका रिलेशन हाइड्रोजन से है तो इसका रिलेशन किससे बनेगा, फॉस्फोरस से, पोटेशियम से, क्रिप्टोन से या कोबाल्ट से। सिंपल सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका यहाँ पे के दिखने को मिल रहा है तो आंसर हो गया पोटेशियम। प्लेनेट 9 क्या चीज है, नोवा ग्रह है, क्या चीज है जिसके अपन प्लूटो बोलते हैं, बोना ग्रह बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारी सौर सिस्टम में प्रस्तावित एक बहुत बड़ा बर्फीला ग्रह, इसको प्लेनेट 9 की संज्ञा दी गई है, और वैसे नोवा ग्रह जो था प्लूटो उसको हटा दिया गया और अब नोवा किसको माना गया, इसको, एक बहुत बड़ा बर्फीला ग्रह आउटर अपने सोलर सिस्टम में। ऑक्सीकरण प्रोसेस में निम्न में से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, आंसर दीजिएगा प्रदीप सिंह जी चौहान, विक्रम गड़िया जी, ऋषभ नाथ जी, सुनील वर्मा जी, क्या आंसर बनेगा, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहाँ से अपने से ऑक्सीकरण के बारे में पूछा है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बढ़ती है अपचयन में। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और डेली बेसिस के ऊपर अटेम्प्ट कर लिया करो इस सीरीज़ को, बाद में अपन और रेगुलर हो जाएंगे दिवाली के बाद।
क्या अपना आंसर बनेगा यहाँ पे? 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। रिएक्टर पैमाना 8 से 9 तीव्रता का अर्थ बहुत ही हल्का भूकंप। रिएक्टर स्केल होती है 0 से लेकर 10 तक, और ये कह रहा है कि 8 से 9 इंटेंसिटी का भूकंप है वो बहुत ही हल्का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हल्का नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भारी बन जाएगा। ये आंसर हो गया डी। और ये ध्यान रख लीजिएगा, 1935 चार्ल्स रिएक्टर और गटेनबर्ग, ये दोनों नाम याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन कई तरीके से बन के आ सकते हैं यहाँ से, जरूर नहीं कि एडिटिज यही क्वेश्चन है, तो यहाँ से एडिट होकर कई क्वेश्चन बनते हैं। 1935 चार्ल्स रिएक्टर, गटेनबर्ग, लॉगरिथमिक स्केल और भूकंप माफी मेजर करने के लिए, और रेंज 0 से लेकर 10 तक। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण, समवर्ती का मतलब एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग, डिजिटल का मतलब हो गया 0101, एनालॉग का मतलब हो गया आपका इस तरीके से कंटिन्यू। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। और मॉडेम का अपन बोलते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर की फुल फॉर्म है मॉडेम, शॉर्ट फॉर्म। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की रेट क्या होती है? एडल्ट की बात हो रही है, दिल के धड़कने की रेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 से 100 धड़कन पर मिनट। नॉर्मल एडल्ट की बात पूछी गई है वयस्कों में, तो आंसर हो जाएगा 60 से 100 धड़कन पर मिनट। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड, परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन काबूम। 1998, ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की टाइम की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? अगर इंसान के अंदर बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाए तो नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, क्या यूज लेना चाहिए? एस्प्रिन लेनी चाहिए या एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स या एंटीजन? सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है यदि बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाए? आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स का यूज में लेना चाहिए। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? जीवाणु की खोज लिवेन हॉक के द्वारा। तो आंसर ध्यान रखिएगा, जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी लिवन हॉक ने, और विषाणु की थी इवान वॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपेक तेक्राव क्या चीज है? सेपेक तेक्राव क्या चीज है? पक्षी, मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम, वॉलीबॉल को किक मारना या एक प्रकार का लड़ाकू विमान? तो ये क्या चीज है? यह है वॉलीबॉल को किक मारना, सेपेक टाक्रा। साइबेरियाई आइबेक्स क्या चीज है? 5-7 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लेते हैं। साइबेरियाई आइबेक्स क्या चीज है? पहाड़ी शेर है, बड़ी और भारी बकरियां हैं, पहाड़ी हिरण है या एक प्रकार का घोड़ा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी और भारी बकरियों को साइबेरियाई आइबेक्स बोला जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है कापरा एग्रेगस हिराकस। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका सही जाना चाहिए, कोई भी गलत नहीं करेगा। एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवंशिक विद ने किससे प्रमुख भूमिका निभाई थी? एम एस स्वामीनाथन ने कौन सी क्रांति दी थी? पीली, श्वेत, हरित या काले? एम एस स्वामीनाथन, सब सही करेंगे इस क्वेश्चन को, 68 नंबर क्वेश्चन को। एम एस स्वामीनाथन, आज कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी किसान किसी भी पार्टी के आंदोलन होते हैं, कहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग लागू करो, तो ये बहुत ही प्रचलित नाम है, सबका सही जाना चाहिए, गलत क्यों कर रहे हो भाई लोगों? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। यहाँ से आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें मैंने सब डिटेल्स लिखी है। हरित क्रांति का जनक भारत के अंदर है एम एस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड के अंदर है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का भारत के अंदर है एम एस स्वामीनाथन, और हरित क्रांति का वर्ल्ड के अंदर है नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति का है वर्गीज कुरियन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? लाफिंग गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड?
लैपिंग गैस? आंसर सी नाइट्रस ऑक्साइड। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मार्स गैस या दलदल गैस, इसका मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या आर्गन? मार्स गैस का मेन घटक क्या है? आंसर ए मीथेन। दलदल गैस भी अपन इसको बोलते हैं। वह पहला तत्व कौन सा है जिसे की रासायनिक खोज हिनिंग ब्रांड के द्वारा की गई थी? हिनिंग ब्रांड ने किसकी खोज की थी? कोबाल्ट, निकल, हाइड्रोजन या फॉस्फोरस? हिनिंग ब्रांड ने किसकी खोज की थी? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी फॉस्फोरस। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, 6 कैटेगरी में दिया जा रहा है, और अभी लेटेस्ट 2019 की बात करें तो एक भारतीय को भी मिला है इकोनॉमिक्स में, जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी। ये आपको नाम ध्यान में रखना है, अभिजीत बनर्जी। तो ये अल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने किसका आविष्कार किया? कपास, कंपास, डायनामाइट, पेनिसिलिन या लाइट बल्ब? अपन कह सकते हैं डायनामाइट या बारूद का आविष्कार किया था। उपग्रह की IRS सीरीज का प्रक्षेपण किसके लिए किया जाता है? IRS में ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा यदि आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो तो। कम्युनिकेशन, मेजरिंग इन फ्लाइट परफॉर्मेंस, रिमोट सेंसिंग या रेग गाय गामा एस्ट्रोनॉमी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें देखो RS का मतलब ही रिमोट सेंसिंग है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है सभी का। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंट क्या है? बिट क्या चीज़ है? एक बाइनरी टर्म है, यह बाइनरी डिजिट है, यह बाइनरी डाटा है, यह बाइनरी ट्रांसफर है। बिट क्या चीज़ है? बिट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिट का मतलब क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74 बिट है। सबसे छोटी ये होती है, कोई भी डाटा होता है मेमोरी अपन बोलें तो ऑप्शन बी। सबसे छोटा होता है बिट, उसके बाद है निब्बल, निब्बल के बाद है बाइट, बाइट के बाद में अपने KB, MB, GB, TB इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो ये तो अपना आज का सेशन 6 सेट कर चुके हैं डेली बेसिस के ऊपर। 9 बजे अपना लाइव सेशन स्टार्ट होता है और दीपावली के बाद में अपन सभी वीडियोज़ को कंटिन्यू कर लेंगे। बाइलिंगुअल वाले को भी अपन बाद में करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर। गुड नाइट, थैंक यू।